अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज जो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था वो ये कि मैं आज पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ और जितना मेरा टाइम यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने पूरा कर लिया और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी अल्लाह ताला ने मुझे वो भी दे दी और अब आके इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो बहुत खिदमत यहाँ पर कर ली है पाकिस्तान आके खिदमत करनी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात जो हैं वो भी जल्दी ठीक होने वाले हैं। 2020 के आखिर तक हालात जो इंशाल्लाह बहुत ठीक हो चुके होंगे और उसका आगाज़ जो है इंशाल्लाह 2 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर तक इंशाल्लाह उसका अच्छे असरात नज़र आने लग पड़ेंगे। आके इंशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री में इंशाल्लाह मैंने काम करना है और वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ से मैंने गोल्ड जिम से सीखी हैं वो मैंने वहाँ पे जाके इंशाल्लाह पूरी करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, जो सीख कर आ रहा हूँ फिटनेस इंडस्ट्री के हवाले से, और वो सब चीज़ें इंशाल्लाह अब पाकिस्तान में अप्लाई करनी है और इंशाल्लाह लोगों को मैंने यहाँ पर लेकर आना है फिटनेस के हवाले से। जो मैंने सीखा अपने उस्ताद मलिक फैज़ से, फैज़ी भाई से, और जो मैंने यहाँ पे आके पढ़ा वो सब कुछ चीज़ें मिला कर अल्लाह ताला ने मुझे एक और काफ़ी इलम में इजाफ़ा किया, जो कि सिलसिला भी मुसलसल चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो बहरहाल एक मैंने कहा छोटी सी वीडियो सहारा सेंटर शारजा से बना के आपको भेज दूँ। मैं इस वक्त मैं ग्रैंड एट्रियम में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह दूसरी दुनिया को यहाँ पर लेकर आना है मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में, उनसे जो ट्रेनिंग जो लेने आएंगे इंशाल्लाह। मेहनत है, आसान काम नहीं है, मेहनत है, मेहनत करनी है और ताकि ये सब चीज़ें जो हैं ये हों और एक पाकिस्तान को एक बेहतर जगह पर लेकर जाना है इंशाल्लाह। हालात जो हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, मेरा इस चीज़ पर पूरा अल्लाह ताला पे ईमान और तवक्कल है। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा आप, बाकी काम इंशाल्लाह बाकी की वीडियोस पाकिस्तान में इंशाल्लाह बनेगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। जी ये है ग्रैंड एट्रियम शारजा सहारा सेंटर। जिन लोगों को पता है सहारा सेंटर वो लोग वाकिफ़ हैं इससे, और ये बिल्कुल शारजा के दुबई के बॉर्डर पर है, सड़क पार करें तो दुबई आ जाता है। चलें जी, बहुत प्यारा मॉल बना हुआ है ये वाला शारजा का। शारजा का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मॉल यही है और दूसरे भी अच्छे मॉल्स हैं लेकिन इस मॉल में खूबसूरती ज़्यादा है, भड़ा भी काफ़ी है और अच्छा भी है। अब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ, नहीं ग्राउंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर है मेरे ख्याल से। और मैंगो